हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीज कॉर्नर, राधे राधे। तो चलिए आज हम वट सावित्री व्रत कथा सुनेंगे। विवाहित महिलाओं के बीच अत्यधिक प्रचलित ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन आने वाले सावित्री व्रत की कथा सुनाएंगे हम। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 100,000 आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ सालवे देश के राजा धूमसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषि राज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है, 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है, इसलिए तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का 1 बार ही वरण करती है, राजा 1 बार ही आज्ञा देता है और पंडित 1 बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी 1 बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से ही कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए, साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री ने कहा कि जहां मेरे पति जाएंगे उसके पीछे मैं भी जाऊंगी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ।
सावित्री ने कहा, भगवान मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छीन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरी वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने सत्यवान से 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़ा। यमराज अंतर्धान हो गए और सावित्री उसी वटवृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता नारियां सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वो ठल जाता है। वट सावित्री व्रत सौभाग्य को देने वाला और संतान की प्राप्ति में सहायता देने वाला व्रत माना गया है। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या को शनि जयंती भी मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि वट सावित्री व्रत को करने से पति दीर्घायु होता है। इस बार वट सावित्री का व्रत 22 मई 2020 को है। इस व्रत में नियम निष्ठा का विशेष ख्याल रखना पड़ता है। वट सावित्री के दिन सभी सुहागन महिलाएं पूरा 16 श्रृंगार कर बरगद के पेड़ की पूजा करती है। ऐसा पति की लंबी आयु की कामना के लिए किया जाता है। अभी हम वट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त देखेंगे। अमावस्या तिथि प्रारंभ होंगे 21 मई रात को 9:35 से। अमावस्या तिथि समाप्त होंगे 22 मई रात को 11:08 तक। अब हम पूजा विधि देखेंगे वट सावित्री का। व्रती को चतुर्दशी के दिन से ही तामसी भोजन का परित्याग कर देना चाहिए। साथ ही खान पान में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें। इसके बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान ध्यान करें और सर्वप्रथम व्रत संकल्प लें। फिर पवित्र वस्त्र पहने और 16 श्रृंगार करें। जब आप परिधान और श्रृंगार का वरण कर लें, इसके बाद सबसे पहले सूर्य देव को जल का अर्घ दें। वट सावित्री और वट पूर्णिमा की पूजा वट वृक्ष के नीचे होती है। एक बांस की टोकरी में 7 तरह के अनाज रखे जाते हैं, जिसे कपड़े के 2 टुकड़ों से ढक दिए जाता है। एक दूसरी बांस की टोकरी में देवी सावित्री की प्रतिमा रखी जाती है। वट वृक्ष पर महिलाएं जल चढ़ाकर कुमकुम अक्षत चढ़ाती हैं। फिर सूत के धागे से वट वृक्ष को बांधकर उसके 7 चक्कर लगाए जाते हैं। सभी महिलाएं वट सावित्री की कथा सुनती है और चने गुड़ का प्रसाद बांट जाता है। वट वृक्ष का पूजन और सावित्री सत्यवान की कथा सुनना भी अवश्य रहता है।
ये कथा का स्मरण करने के विधान के कारण ही यह व्रत वट सावित्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सावित्री भारतीय संस्कृति में ऐतिहासिक चरित्र माना जाता है। सावित्री का अर्थ वेद माता गायत्री और सरस्वती भी होता है। तो यही है वट सावित्री व्रत कथा, विधि विधान और शुभ मुहूर्त। सभी को पसंद आए करके उम्मीद करती हूँ। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर आप कर लीजिए इसी तरह वीडियो से मिलने के लिए। तो फिर से मिलेंगे हम अगले वीडियो पर। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।